ये 20% जो रिजेक्शन है ये आपकी माइनर माइनर मिस्टेक्स की वजह से। आप एक लो प्रोफाइल से के साथ भी अप्लाई करके यूके आ सकते हैं। दो तीन बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूके के स्टडी वीज़ा के हवाले से कि यूके का स्टडी वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि यूके के वीज़ा की सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और यूके की रिक्वायरमेंट्स कम है। आप एक लो प्रोफाइल से के साथ भी अप्लाई करके यूके आ सकते हैं। और अगर मैं करंटली सिनेरियो की बात करूँ तो यूके की वीज़ा की सक्सेस रेशियो 80% है। लेकिन घबराइए मत, ये 20% जो रिजेक्शन है ये आपकी माइनर मिस्टेक्स की वजह से होती है। ये जो रिजेक्शन है इस वजह से नहीं होती कि यार या तो वीज़ा एप्लीकेशन ज़्यादा आ रहे हैं या इनको इतने बंदों की ज़रूरत नहीं है, इतने वीज़े ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ना ही ये आप लोगों की अपनी गलती की वजह से रिजेक्शन आती है और आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं वो इग्नोर करके आपको आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इन छोटी छोटी गलतियों से कैसे सबक सीखे और इनसे कैसे बचे रहे ताकि आपका और हमारा यूके का जो स्टडी वीज़ा है वो रिजेक्ट ना हो। तो बहुत सारी छोटी छोटी रीजंस हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इनसे बात करने से पहले आपको पता है कि मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भी काइंडली आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, इस पर कॉमेंट कर दें। जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर एज सून एज पॉसिबल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन रीज़न होता है वो है यूनिवर्सिटी इंटरव्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी इंटरव्यू फेल करते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू यूजुअली 30-40 मिनट्स होती है और इनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, यानी एक यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू दूसरी यूनिवर्सिटी से कुछ खास डिफरेंट नहीं होती। वही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई यू आर कमिंग हेयर टू यू के, वाई नॉट अदर कंट्री, एंड वट आर यूर लॉन्ग टर्म्स प्लान्स, एंड वट वुड यू डू आफ्टर द स्टडी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, वो जब आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उनके पास भी होता है। आप गूगल में भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो मतलब थोड़ी सी डेडिकेशन और थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आप यूनिवर्सिटी इंटरव्यू ईजिली क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में मोस्टली वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि एक फॉर्मेट में होते हैं और आप उनका अच्छी तरह अपना एक आंसर प्रिपेयर करके उसका जवाब दे सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू आप आराम से फिर पास कर सकते हैं। दूसरा जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है। इंग्लिश चूंकि अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से, तो हम सब ने इंग्लिश पढ़ा होता है। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपने 12 साल पढ़ा होता है, मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आप 16 साल पढ़ा होता है। तो इसका मतलब ये कि हम सबको जो भी अप्लाई करते हैं इंग्लिश बोलनी, इंग्लिश लिखनी और इंग्लिश जो है वो पढ़नी आती है, और सुनना तो वैसे भी सबको लिसनिंग तो उसकी होती है, लेकिन बस थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो किस तरह दूर करें, वो आप आइल्स के लिए प्रिपेयर करें। इनके 40-45 डेज के कोर्सेज होते हैं, वो आप आराम से उसमें एडमिशन करके वो जो टेक्निक्स वगैरह सिखाते उस पर प्रॉपरली फोकस करके 1-2 घंटा दिन में दे के आप आराम से आइल्स में 6+ बैंड्स ला सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके वीज़ा के सक्सेस चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जितना आपका केस जेन्युइन होगा उतने ही आपके वीज़ा के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के थोड़े बेहतर बनाएं, जैसे कि ये फिर आपके इंटरव्यू में भी काम आ जाता है। जो यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू होती है तो उसमें भी आप इंग्लिश बोल सकते हो, जो क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिए कि अगर आप क्वेश्चन नहीं आता उनको कहे कि काइंडली रिपीट करें या आप टूटी फूटी इंग्लिश में जवाब दें, तो इससे बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि उनको पता होता है कि इंग्लिश इज़ योर सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, इट्स नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज। ये आपकी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं होती कि वो आपसे आपको ये समझे कि उसके बेस इंग्लिश के बेस पे आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। आपकी प्रिपरेशन देखेंगे, आपके माइंडसेट को देखेंगे कि क्या ये वाकई इसका प्योर मकसद जो है यहाँ पे स्टडी के लिए आना है या ऐसे ही सिर्फ यू के आना चाहते हैं। तो ये इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि आपको देख ले, आपको चेक कर ले। जैसे आपने पिछला कोर्स पढ़ा होता है तो उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस पढ़ा था तो मुझसे पूछा था व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट, दो तीन बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे जो जिनके ऑब्वियसली मुझे जवाब आते थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ये इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी है या इंग्लिश की जो लर्निंग है ये आपकी लॉन्ग टर्म में इधर भी बिरा के आप के काम आती है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है वो होता है इनसफिशिएंट फंड्स या वो फंड्स जो 28 डेज के लिए मैच्योर नहीं होते। तो आप कोशिश करें कि मोस्टली जब वो यूनिवर्सिटीज़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ अनकंडीशनल लेटर्स या केस लेटर के लिए भी आपसे फंड्स शो करने का मांगते हैं तो कोशिश करें कि आपके फंड्स जो है 28 डेज के लिए रेडी हो। खासकर जब वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये मस्ट जहन में रखना चाहिए कि आपके जो फंड्स है वो कम से कम 28 डेज के लिए मैच्योर हो। तो मोस्टली इस लिहाज से भी स्टूडेंट्स के वीज़े रिजेक्ट होते हैं कि उन्होंने 20-25 दिन के बाद ही अप्लाई किया होता है विदाउट लाइक कंसल्टिंग विद एनीवन, वो खुद ही अपने थ्रू अप्लाई किया होता है या किसी से पूछे बगैर वो वीज़े के लिए अप्लाई कर देता है और वो लो सफिशिएंट या लो फंड्स की वजह से या इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से भी वो रिजेक्ट हो सकता है। इनसफिशिएंट फंड्स का मतलब ये कि जो आपके कैलकुलेटेड 9 मंथ्स के जो यहाँ के एक्सपेंसेस है और जो रिमेनिंग फीस है वो जो कैलकुलेट होती है उसका एक प्रोसीजर होता है वो आप कैलकुलेट कर ले और आप देखें कि आपको कितना बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। जैसे पाकिस्तान के केस में फॉर एग्जांपल मोस्टली आजकल ऑन एवरेज 6 मिलियन चल रहा है 60 लाख, तो अगर 60 लाख आप ये फंड आपको रिक्वायर्ड आपने कैलकुलेट किए 60 लाख है तो आपको तो पता होता है कि ये पाउंड का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता है, तो आप एटलीस्ट 5 लाख ऊपर रखें 5 लाख ताकि और इंडिया के केस में 1-2 लाख ऊपर रखें ताकि अगर पाउंड का रेट बढ़ जाए या रूपी का रेट गिर जाए तो आपके जो बैंक स्टेटमेंट है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं फिर या मोस्टली स्टूडेंट्स फिर क्या करते हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा 500-1000 पाउंड एक्स्ट्रा फीस पर मजीद जमा कर देते हैं और इसकी वजह से वो वीज़े में फिर डिले का प्रॉब्लम आ जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको आपके पास सफिशेंट फंड होने चाहिए और 28 डेज के लिए मैच्योर होने चाहिए और ये बात याद रखिए कि जेन्युइन फंड्स होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई हैरा गैरा ऐसे ही लगा के वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। और ऑब्वियसली जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है और नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपके केस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपका आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे इफेक्ट पड़ता है, तो उससे भी आप दूर रहे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आपकी प्रोफाइल होती है तो काइंडली आप अपनी प्रोफाइल की प्री असेसमेंट करवाया करें। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं या एजेंट वगैरह होते हैं कंसल्टेंट्स जो यूके स्टडी में सालों से डील कर रहे होते हैं आप उनके पास जाए जो कि आपको पता है कि जेन्युइन है, और अगर आप उनके थ्रू अप्लाई भी ना करते हो तो कम से कम वो प्रोफाइल दिखाए कि क्या इस प्रोफाइल पे फलाने यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो वो आपकी प्रोफाइल की एक असेसमेंट करवाएंगे प्री असेसमेंट और फिर आपको बताएंगे कि हाँ आपके इस प्रोफाइल के साथ वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता। तो ये सिर्फ यही गिनी चुनी बातें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपकी जो इंटरव्यू स्किल्स हो या इंग्लिश की थोड़ी नॉलेज हो वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आप यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू क्लियर कर दें, आईएलटीएस या जो भी टेस्ट है वो आपका क्लियर हो अच्छी तरह से, और आपके सफिशिएंट फंड्स हो और डॉक्यूमेंट्स जो है आपके वो जेन्युइन हो, सफिशिएंट फंड हो जेन्युइन फंड्स हो और 28 डेज मैच्योर हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दे, आपका वीज़ा 100% इंशाल्लाह लगेगा। तो बस यही बताना था, बाकी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, चैनल को अगेन मैं कहता हूँ प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे @hiimasad जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है उस पर आप मैसेज कर दे तो मैं एज सुन एज पॉसिबल उस पर भी आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा। तो यही बताना था आज की इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।